सर आज अंजन गोस्वामी जी ने आपकी आवाज प्रेस मीडिया अवार्ड का आयोजन किया है, जिसमें ढेर सारे आप जैसे सेलिब्रिटी को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, क्या सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सब मीडिया का, और मेरा बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है आप सबका यहाँ, और मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोग यहाँ हैं। ये जो अवार्ड फंक्शन है, ये हमेशा से एक न्यू राइजिंग स्टार्स को बढ़ावा देने के लिए अच्छा है, और ऐसा होना चाहिए। सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग हैं, बिंदु जी आए हुए हैं, दिलीप सेन जी हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं, सुनील पॉल जी भी हैं। और ये जो अवार्ड फंक्शन हो रहा है, ये प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए है, जो कि अंजन गोस्वामी उनकी जो फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है, बहुत अच्छा है और खुशी है। मैं भी इसका पार्ट का भागी हूँ और मुझे भी अवार्ड मिल रहा है। और इनकी जो फिल्म है अंजन गोस्वामी की, जीने की राह, वो फिल्म कर रहा हूँ मैं, उसी की सारी तैयारी से भी है, खास उसी की वजह से यहाँ हूँ। अंजन जी के लिए क्या कहना चाहिए? अंजन जी के बारे में कहूँ तो मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मेरी लास्ट फिल्म भाग कहाँ तक भागेगा किए थे वो, उसमें कोरोना करते हैं, और बाई नेचर इज़ अ वेरी फंटास्टिक मैन, और काम भी बहुत अच्छा करते हैं, फास्ट काम करते हैं। तो उनके साथ डायरेक्शन में फर्स्ट फिल्म कर रहा हूँ मैं, जो कि जीने की चाह जो फिल्म है, वो भी जो कर रहे हैं हमारे साथ में, नेक्स्ट मंथ शायद शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वही फिल्म उनके साथ कर रहा हूँ, और डायरेक्शन में उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। बट मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि वो अच्छा काम कर लेंगे, वो काम जानते हैं, और ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फिल्म जल्दी अच्छी बनेगी, और बहुत अच्छा सोशल मैसेज है इसमें, क्योंकि आज हम देखते हैं यूथ या युवा नशे की लत में होता है, गुटखा खा रहा है या सिगरेट पी रहा है, तो वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, और उस लत को छुटकारा पाने के लिए इसमें मैसेज दिया गया, जिसके लिए ये मुहिम में मुझे जो सब्जेक्ट पसंद आया था, यही एक रीज़न था कि इसमें किसी को एक अच्छा मैसेज है। मेरे इस मैसेज को पहुंचाने से अगर कुछ लोग गुटखा खाना छोड़ देते हैं, किसी की जान बच जाती है, किसी का घर बच जाता है, या किसी के पीछे रोने वाले जो लोग होते हैं वो नहीं रोते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की और बात है। मैं नाफे खान, आप ज़रूर इंशाल्लाह इस फिल्म को देखिएगा, बिकॉज नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो रही है फिल्म, और हमेशा से सराहते रहें, मैं हूँ आपका दोस्त नाफे खान हमेशा। बाद में करता हूँ मैं, मेरा नाम का और काम का तस्करा बाद में करता हूँ। हाँ हाँ, मेरा नाम है निज़ाम झूठा, मैं अपने सॉरी ये डालना नहीं, मैं अपने नाम का और काम का तस्करा बाद में करता हूँ। सबसे पहले मैं मीडिया को सलाम करता हूँ। मीडिया वो मीडिया है जो सबको ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक चढ़ाती है। अगर कोई आदमी की उड़ना चाहता है दो माले पे, तो मीडिया उसके लिए सीढ़ी का काम करती है। अगर कोई आदमी दस माले पे चढ़ना चाहता है तो मीडिया उसके लिए लिफ्ट बन जाती है, और कोई आदमी आसमान में उड़ना चाहता है तो मीडिया हेलीकॉप्टर और प्लेन बन जाती है, और अगर कोई आदमी मीडिया के खिलाफ जाता है तो मीडिया उसके लिए कहर भी बन जाती है। तो सबसे पहले इसलिए मीडिया ही है आज की है, और मीडिया ही की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हम लोग, हमारी टीम है, ये बहुत बड़ी अदाकारा हैं और शायरा भी हैं, इनका नाम है जीनत एहसान कुरैशी, और आप बनवारी साहब, इनको तो कोई इनका तारुफ के मोहताज नहीं है। ये हमारा प्रोग्राम है तीन तलाक, जो आज आपकी आवाज़ प्रेस मीडिया में अवार्ड में हमारा ये हुआ है, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, और इसका मेन जो है निज़ाम झूठा कॉमेडी तड़का, आप निज़ाम झूठा कॉमेडी तड़का। तो आप लोगों ने ये ड्रामा देखा, कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको, इनकी अदाकारी के बारे में बताइए। तो अभी हम लोग कैसा है सर, आप बताइए, जो तीन तलाक का मसला चल रहा है उसमें है कि इसमें सटायर है, सटायर है इसमें, एक्चुअली क्या है, तीन तलाक जो आजकल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, उसी मुद्दे को देखते हुए, क्योंकि करंट ये वो सब्जेक्ट था, तो हमने सोचा इसको अगर समझाए किसी को तो एक मजाया आइटम करके समझाए तो शायद लोगों को जल्दी समझ आए। तो निज़ाम भाई ने ये प्ले लिखा है, और जीनत जी और मैं बनवारी झूल हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है हस्बैंड वाइफ के लिए। तो तलाक हम दोनों पे हमने इसको एक हंसी मजाक पर लेके अपने सामने पेश किया। अंजन गोस्वामी जी की बात की जाए, जिन्होंने ये आयोजन किया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, काफ़ी प्रोत्साहन करते हैं जो नए कलाकार हैं, पुराने कलाकार हैं, तो उससे क्या कि उत्साह बढ़ता है नए कलाकारों का, और एक यादगार बन जाता है। सबसे पहले मीडिया के लिए बोलना चाहूँगी कि मीडिया मेरे लिए क्या है, कि हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है, हमने माना अभी हमारा अपनापन अनजान बहुत है, और मन के रिश्ते जुड़ जाएं तो पल भर की पहचान बहुत है।
आप लोगों ने जिस मोहब्बत से हम लोगों को सुना, देखा और अभी बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप लोग ही वो हैं जो सारी बातें पब्लिक तक पहुंचाते हैं और सारा सच सामने लाते हैं। ये नाटक हम लोग एक छोटा सा किए हैं तीन तलाक पे। तीन तलाक का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा था और अभी भी है, तो हम ये चाहते हैं जिस तरह हमने अपने नाटक में मजाक के ज़रिए तीन तलाक को बताया है कि इसे मोहब्बत से किस तरह आप टाल सकते हैं। हर परिवार में यही होना चाहिए, हर महिला को यही होना चाहिए। और जिस तरह जोल साहब ने इसमें मोहब्बत दिखाई है पत्नी के प्रति, इसी तरह हर पति को चाहिए कि वो भी तीन तलाक के मसले को हटा दे। और मैं अंजन साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मौका दिया और ईश्वर करे उनके कार्यक्रम इसी तरह सफल हो। अच्छा, तीन तलाक का ये जो मेरा सब्जेक्ट, ये जो मेरा शो है निज़ाम झूठा कॉमेडी तड़का, ये तड़का वो है जैसे लोग घर में छोटा छोटा खाना बनाते हैं, हर तरह का खाना बनाते हैं लोगों के अपने बजट के हिसाब से, तो खाना तो अच्छा बनता है लेकिन जब तक के उसमें तड़का नहीं पड़ता है, जब तक के उसमें तड़का नहीं लगता तो मज़ा नहीं आती है। तो उसी तरह खाने का है, खाने में वो तड़का है, लेकिन हम लोग एक एक फैमिली स्टोरी लेके आते हैं, एक एक स्टोरियाँ लाते हैं, उस स्टोरी में हम लोग कॉमेडी का तड़का डालते हैं। तो इस तरह से ये मेरा है निज़ाम झूठा कॉमेडी तड़का, और ये आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग छोटे से कलाकार हैं, आप लोग ने मेहरबानी। निज़ाम भाई का कहने का मतलब ये है कि सामान इन्होंने इकट्ठा किया है, जो तड़का है वो मैंने और जीनत जी ने लगाया है, और ऐसा तड़का लगाया जिसका टेस्ट अभी तक सब लोग याद कर रहे हैं। मज़ा आ गया ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि ये तड़के को थोड़ा सा फैलाएं, तड़का की खुशबू महके। और रहा अंजन भाई की, अंजन दादा को मैं काफ़ी इंडस्ट्रीज में आने से पहले देखता था। अंजन दादा वो चीज़ है, अंजन जी है ना, अंजन जी बहुत अच्छे इंसान है, इतने मेहनत कश इंसान है, हमारे साथ में हर जगह सहयोग करते हैं। मैंने कितने दिन उनके साथ काम किया है और मेरे साथ में हैं वो, और कहीं भी चले जाते हैं हर एक आदमी का वो साथ देते हैं, हर एक आदमी का साथ देते, किसी की बात को इनकार नहीं करते हैं, और बहुत मेहनत कश आदमी है। और उनका प्रोग्राम है, देखिए आज बारिश है, इतनी बरसात हो रही है लेकिन फिर भी हुजूम लगा हुआ है, सब लोग उनकी मोहब्बत में आए, लोग मोहब्बत में आए हैं। और अंजन जी का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि इसमें हमने आपकी आवाज़ मीडिया के लिए हम लोगों ने ये किया तीन तलाक का। ये तीन तलाक जो है बहुत बड़ा मसला है, इसको छोटे से एक फंक्शन में नहीं बताया जाएगा, सारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन लोग सही तरीके से तलाक कैसे दी जाती है नहीं समझाया जाएगा। जिस तरह के गुस्से में मैंने बताया मेरी बहन को कि आपा गुस्से में तलाक नहीं दी जाती, क्योंकि गुस्सा कभी बिगाड़ता है, गुस्सा शैतान डालता है दिमाग में, इसलिए ये हम लोगों ने बताया कि तलाक देना बहुत लोगों को मालूम नहीं है कैसे तलाक दी जाती है। सही माने माना जाए, जिस तरह से हम शादी करते हैं, जिस तरह से हम लोग शादी करते हैं लोगों को जमा करते हैं, उसी तरह से जब लोग डिसाइड करेंगे कि तलाक होगी तब। मतलब ये गुस्सा जो है हमेशा चीज़ खराब करता है, गुस्से में कोई चीज़ बनती नहीं है, बिगड़ती है, इसलिए ये है गुस्से में कभी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो बैठकर सुलह करके और खुशी से जो बातें अच्छी होती हैं वो गुस्से में चल जाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।